था फ्रॉम शेले ब्रांच एंड डीएचए गदरोड ब्रांच क्लास 1। आज हम लोग गिनती के बारे में पढ़ेंगे। मैं आज आपको अंग्रेजी गिनती, उर्दू गिनती और लफ्जी गिनती के बारे में बताऊंगी। अंग्रेजी गिनती स्टूडेंट्स कहते हैं 1 2 3 4 5 और जो उर्दू गिनती होती है उसको कहते हैं 1 2 3 4 5। और जो लफ्जी गिनती है वो मैं आपको लिखनी सिखाऊंगी। ये देखिए बेटे, आपने सबसे पहले ऐसे आपने लिखना है अलिफ, फिर आपने ये की छोटी शक्ल बनानी है, उसके साथ काफ को अटैच कर देना है। ये बन गया एक। अंग्रेजी में हम वन लिखते हैं, लफ्जी में हम एक लिखते हैं। आगे लिखा हुआ टू, तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे दार वाओ दो, मतलब कि अंग्रेजी में टू और ऐसे दो बोलते हैं। उसके बाद आ जाए थ्री, थ्री हमने ऐसे लिखना है। क्या लिखा है तीन। उसके बाद आ जाए फोर, फोर को हमने ऐसे लिखना है छे, पहले छे की आधी शक्ल बनानी है आप लोगों ने। उसके बाद उसको स्ट्रेट लाइन ऊपर ले जाएंगे, छे अली चार और रे क्या बन जाएगा चार बन जाएगा हमारा। उसके बाद पांच लिखेंगे, पे पा नून ठीक है। फिर उसके बाद चे की हम लोगों ने शक्ल बनानी है इसके साथ ही ऐसा करके। ये देखें पांच क्या बन गया पांच। उसके बाद है सिक्स, सिक्स को हम लिखेंगे छ, पहले आधी शक्ल छे की बनाएंगे छ की और उसके बाद छ। अब हमने बनाना है सात, क्या लिखना है पहले लिखेंगे सीन की आधी शक्ल बनाएंगे आप, फिर अलिफ सीन अलिफ सा और साथ लिखेंगे ते। सात क्या बन गया बेटा सात बन गया। आ गया एट, एट को हम लिखेंगे अली अली मद्दा टे की आधी शक्ल है और आगे है आठ। और उसके बाद है नाइन, नाइन को हमने कैसे लिखना है नून की आधी शक्ल साथ में वाओ बना देनी है नो। उसके बाद है टेन, टेन हम लिखना है दाल और सीन बेटा। फ्रेंड्स ये देखें, ये हमारी अंग्रेजी उर्दू और लफ्जी में हमने ऐसे लिखना है ठीक है। आपने इसकी नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है और मुझे पिक्चर सेंड करनी है, नोटबुक पे नीट नीट वर्क करना है और मुझे इसकी पिक्चर भेजनी है ठीक है। और बेटा स्टूडेंट्स ये आपका जो काम है ना उर्दू की जो वर्कबुक पेज नंबर 26 पे ये डन किया हुआ है, आपने इसको देख कर अपनी नोटबुक पर डन करना है और प्यार करना।